हेलो नमस्ते गुड मॉर्निंग जय श्री कृष्ण वेलकम बैक टू दीदी खुरावास ब्लॉग। चलिए आज के दिन की ढेर सारे काम के साथ शुरुआत करनी है और अभी मॉर्निंग का टाइम है और आज तो ना कम्प्लीट नींद ही नहीं हुई थी क्योंकि कल रात को हम लोग इतना ज्यादा लेट से आए थे ना और फिर आके एडिटिंग करके मैं सोई ना तो बहुत लेट हो गया था और सुबह तो जल्दी से उठ के सारा काम फिनिश करना ही होता है तो आंखें भी देखिए अभी रेड रेड है। चलिए पहले हेमल को जगाती हूँ एंड उसके बाद सारा काम करती हूँ। सारा काम मेरा कंप्लीट हो गया है और अभी 12:30 बज गए तो फटाफट से नीचे किचन में जाके पहले खाना बना लेती हूँ क्योंकि फिर ना बहुत सारे काम भी है और साथ में मुझे बहुत ज्यादा नींद भी आ रही है। अभी देखेंगे काम इतने सारे हैं ना कि सोने का टाइम भी नहीं मिलेगा इसलिए पहले खाना बना लेती हूँ। लंच बनके एकदम से मेरा रेडा हो गया है। रेडा क्या बोल रही हूँ मैं भी एकदम से रेडी हो गया है और बस अभी हेमल का वेट कर रही हूँ क्योंकि 3:05 बाकी और इतनी ज्यादा भूख लगी है ना। कल हम लोग पूरा दिन इतना ज्यादा घूमे थे और रात को लेट आए थे तो आज थकान भी लग रही है बट कल बहुत ज्यादा मजा आया था बहुत ज्यादा ही मजा आया था और आज से भी ना बहुत अच्छे वाले दिन स्टार्ट हो गए हैं क्योंकि आज एकादशी है इसीलिए हमारे यहाँ पे पोरबंदर में अब कहाँ पे होता है वो मुझे प्रॉपर नहीं पता है पहले ही बता देती हूँ बट हमारे पोरबंदर में रांगल माँ के जो नवरात्रे होते हैं ना वो एकादशी से ही शुरू हो जाते हैं। सो आज एकादशी है और आज चैत्र मास की जो एकादशी होती है ना उसी के दिन से फर्स्ट नवरात्रा रांगल माँ का होता है। सो आज से रांगल माँ के नवरात्रे स्टार्ट हो गए हैं और अभी देखते ही देखते सब माता जी के गर्भे आ जाएंगे खेलने के दिन आ जाएंगे और कब विसर्जन हो जाएगा ना पता भी नहीं चलेगा। सो आज वापिस से बहुत ज्यादा ही खुशियों भरे दिन स्टार्ट हो गए हैं और अभी थोड़े दिनों में तो सब छोटी छोटी गर्ल्स वगैरह गरबा भी खेलने लगेगी रांगल माँ के तो बहुत ज्यादा ही अच्छा लगेगा और अभी तो भूख लगी है बहुत ज्यादा ही। सो हेमल का वेट करे हूँ जल्दी से हेमल आ जाए और जल्दी से हम खाना खा ले। आज खाने में क्या बना है चलिए दिखा देती हूँ। तब तक हेमल मार्केट से तो आ गए हैं वो फ्रेश होने गए हैं क्योंकि बाहर इतनी ज्यादा गर्मी होती है ना सो उन्होंने बोला कि मैं पहले फ्रेश हो जाता हूँ तब तक तुम खाना निकालो। सो खाने की प्लेट एकदम से रेडी है और आज मैंने ना एकदम से सिंपल वाला खाना ही बनाया है क्योंकि वैसे भी अभी गर्मियां स्टार्ट हो गई है ना तो ज्यादा खाने का मन ही नहीं होता बट खाना भी जरूरी होता है इसलिए खाना तो बनाती हूँ बट सिंपल वाला। सो आज की प्लेट यहाँ पे एकदम से रेडी है। आज घर पे मैंने बनाई है मिक्स स्प्राउट की सब्जी और साथ में है चावल और फुल्का रोटी और लेमन क्योंकि इस सब्जी में लेमन बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और थोड़े बहुत वेफर फ्राई किए हैं और बटर मिल्क। अब बस हेमल जल्दी जल्दी से आ जाए तो हम लोग खाना खा ले क्योंकि खाना खाने के बाद इतने सारे काम करने हैं ना मार्केट भी जाना है घर में भी इतने सारे काम है गमलों का भी काम है क्या करे ये दुख का खत्म नहीं होता बे। लंच करने के बाद ना सारा काम फिनिश किया और अभी मैं रेडी होके जा रही हूँ मार्केट में और मुझे थोड़ा बहुत काम है मार्केट में तो मैंने सोचा कि जल्दी जाऊंगी तो थोड़ा जल्दी फ्री भी हो जाऊंगी इसलिए दूसरा भी काम हो पाए घर पे आके। अभी वैसे दोपहर के बजे है 5:30 5:30 है और हेमल भी रेडी हो गए हैं। जय श्री कृष्ण हेमल। जय श्री कृष्ण कैसे हैं? बस बढ़िया। आप नहीं मैं ऐसा आप मुझे पूछिए कैसे कैसे लोग रहते हैं यार आप ऐसे ही बोल रही थी। हाँ तो मैं ये बता रही थी कि अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट में तो मैं क्या बोल रही हूँ कि आज से ना नवरात्र स्टार्ट हो रहे हैं रांगल माँ के क्योंकि आज एकादशी अच्छा, है ना इसलिए हाँ। तो अभी 5:30 का टाइम ना वो होता है जब ना माता रानी को वो कहते हैं ना उसकी चौकी और जो पूजा की सब सामग्री होती है ना वो लेके अस्मावती घाट जाते हैं वहाँ पे सब पूजा करते हैं और वापस टेम्पल पे आते हैं उसके बाद नवरात्र स्टार्ट होते हैं तो अभी के अकॉर्डिंग वो टाइम वो है ना कि वहाँ पे हमें देखने को मिलेगा दर्शन करने को मिलेगा ऐसा हम उस साइड से अगर जाए तो आप ले जाए तो मैं दर्शन कर सकती हूँ हमारे व्यूअर्स को भी दर्शन करा सकती हूँ तो अगर हो पाएगा तो क्योंकि मुझे भी पक्का नहीं है क्योंकि वो वहाँ से तुरंत ही निकल जाते हैं ऐसा चल के जाएंगे अस्मावती घाट पे फिर वापस जाएंगे। सो जो कुछ भी हो गया अच्छे मोमेंट्स वो शेयर करूंगी। चलिए फिर थोड़ा मार्केट में भी काम है। चलिए तो अभी यहाँ से एक एक करके माता रानी निकलेगी सो आप लोगों को भी दर्शन करवाती हूँ और मैं भी दर्शन करती हूँ।
शाम कैसे हो गई ना पता ही नहीं चला। माता रानी के दर्शन करके ना अभी सीधा मैं आ गई हूँ मार्केट में, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक दो काम फिनिश करने हैं, सो फटाफट से काम फिनिश कर लेती हूँ पहले। अभी बाइक पार्क कर दिया है और थोड़ा मुझे वॉक करके काम है, इसलिए फटाफट से काम फिनिश कर लेती हूँ यहाँ पे एक शॉप पे। और ऑलमोस्ट नॉइस मार्केट में आते हैं ना तो बहुत ज्यादा ही आता है फटाफट से, और ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा ही है आज। मार्केट का सारा काम फिनिश करके ना जल्दी जल्दी से घर पे आ गई हूँ। घर पे भी बहुत सारा ढेर सारा काम बाकी है, अभी फटाफट से नीचे किचन में जाके रात का गरम गरम सा डिनर बनाऊंगी। बट आज जिस मोमेंट पे हम लोग घर से निकले थे ना, माता रानी के दर्शन करके बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा, और किस तरह से होता है वो छोटा सा मोमेंट भी आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया है। चलिए तो ब्लॉग को अब यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए, इंस्टा पे फॉलो कर लीजिए। मिलती हूँ कल, तब तक के लिए सबको गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। Deep in the shadows, I know it's hard.